लेबर मार्किट एक्म दूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ अ टेम्पररी एडवर्स सप्लाई शॉक ऑन द लेबर मार्केट इन लास्ट मॉड्यूल वी डिस्कस द एक्बरियम ऑफ लेबर मार्केट दैट हाउ द इक्वलिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल डिटरमिन द एक्म हाउ इंस्टेंटली अकॉर्डिंग टू द एजम्शन ऑफ द क्लासिकल मॉडल वेजिस एडजस्ट कर जाती हैं क्विकली सो मार्केट क्लियर हो जाती है और उससे फिर आउटपुट कैसे डिटरमिन होती है ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी आज हम देखेंगे कि इफ़ देर इज़ एन एडवर्स सप्लाई शॉक एडवर्स सप्लाई शॉक से मुराद ये है कि सपोज बैड वेदर की वजह से या ऑयल प्राइसेस के इंक्रीज़ होने की वजह से या कोई और वजह से ठीक है तो आपका प्रोडक्शन फंक्शन डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाता है तो दिस इज स्टार्ट ऑफ एडवर्स सप्लाई शॉक तो इसका इम्पैक्ट लेबर मार्केट पर कैसे होगा और आउटपुट पर क्या होगा सो so, डायग्रामेटिकली हम इसको डिस्कस करेंगे अगेन दो स्पेसेस हम यूज़ करेंगे ठीक है ऊपर वाली जो स्पेस है उसमें हम प्रोडक्शन फंक्शन और नीचे वाली में लेबर मार्केट को डिस्कस करेंगे ओके okay. सो so, आप फेमिलियर है ये प्रोडक्शन फंक्शन की शेप ओके पॉजिटिवली स्लोप्ड और इंक्रीज uh, कर रहा है डिक्रीजिंग रेट हम इसे बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं ए नाट इज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी हम इसे कहते हैं और K0 is the stock of capital, के नॉट इज़ द स्टॉक ऑफ कैपिटल नॉट हमने इनके साथ एज अ सब्सक्रिप्ट पुट किया इसका मतलब यह है कि इन चीज़ों को हम कॉन्स्टेंट कंज्यूम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंट अलॉन्ग दिस कर एंड कैपिटल स्टॉक इज कॉन्स्टेंट एन के साथ हम ऐसा कोई सब्सक्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं इसका मतलब एन एन चूके हम एक्स एक्सेस पर ले रहे हैं सो so एन के वेरी करने से आउटपुट किस तरह चेंज होगी इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू दिस कर सो दिस कर विज थ्रोड पॉजिटिवली स्लोप और इसका जो स्लोप है वो ग्रेजुअली कम हो रहा है माध्यम प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज़ पॉजिटिव एंड डिमिनिशिंग अपन सारी बातों से हम इसे बार बार डिस्कस कर चुके है। हैं यू आर फेमिलियर बेथेंट ओके सो दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन एंड हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्शन फंक्शन से ही डिटर्मन होता है लेबर डिमैंड कर माध्यम प्रोडक्ट ऑफ लेबर एक्चुअली द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो आपको मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ फ्लेबर देता है और मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ फ्लेबर आपका लेबर डिमांड कर्व होता है सो दिस इज नेगेटिवली स्लोप्ड लेबर डिमांड कर्व ओके एंड लेबर सप्लाई भी हम डिस्कस कर चुके हैं पॉजिटिवली यूजली इट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड लेबर सप्लाई कर्व सो द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लेबर डिमांड एंड लेबर सप्लाई दिस इज डिटर्मिन द एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड नॉट ठीक है एंड मार्केट क्लियरिंग वेज जो है डब्ल्यू नॉट है ये एंड नॉट आपके आउटपुट लेवल डिटर्मन कर रहा है, ओके सो दिस इज द एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओके फुल इंप्लायमेंट लेवल क्योंकि इस पर जितने भी लोग काम करना चाहते हैं सबको काम मिल रहा है ना नो वन इज अनएम्प्लॉयड सो दिस इज द फुल इम्प्लॉयमेंट लेवल और इसके नतीजे में जो आउटपुट हमें इस प्रोडक्शन फंक्शन से हमें पता चल रहा है कि जो आउटपुट होगी वाई नाट दिस इज फुल इम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट ओके इफ देर इज नाउ एन एडवर्स सप्लाई शॉक क्या होगा दिस एडवर्स सप्लाई शॉक जो है वो इस प्रोडक्शन फंक्शन को डाउनवर्ड शिफ्ट कर देगा राइट right? और हम इस पर भी बात कर चुके हैं कि डाउनवर्ड जब शिफ्ट होगा तो ये आपकी मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर को भी कम कर देगा सो मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर के काम होने से क्या होगा नीचे वाली डायग्राम में हम देखेंगे कि लेबर डिमेंड कर डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ओके okay? लेकिन सप्लाई पर कुछ असर नहीं होगा क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये जो एडवर्स सप्लाई शॉक है दिस इज़ ऑफ टेम्प्रेरी नेचर अगर परमानेंट नेचर का होगा तो फिर आपकी वेल्थ के और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को इफेक्ट करके लेबर सप्लाई को भी इफेक्ट करेगा लेकिन सेंस हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये टेम्प्रेरी नेचर का इसलिए लेबर सप्लाई करो पर इसका कुछ असर नहीं होगा लेबर डिमांड करो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा नाउ दिस विल बी द न्यूक्लिब्रियम पॉइंट ओके वेयर दिस न्यू लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं सो एन वन इज़ नाउ द न्यू लेवल ऑफ इंप्लॉयमेंट अगेन दिस इज अगेन फुल इंप्लॉयमेंट लेवलुट क्योंकि इस वेज पर जितने लोग काम करना चाहते हैं वो सबको काम मिल रहा है so, इस एडवर्स सप्लाई शॉक की वजह से रियल वेज कम हो गई है और इंप्लॉयमेंट लेवल कम हो गया रियल वेज डब्ल्यू नॉर्ट से डब्ल्यू वन एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो ये लेफ्ट वर्ड जो एरो कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड नॉर्ट से कम होकर

इस एडवर्स सप्लाई शॉक की वजह से इम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो गया ओके रियल वेज कम होगी और आउटपुट कम होगी आउटपुट जो है वो दो तरह से कम हुई है एक तो प्रोडक्शन फंक्शन के डाउनवर्ड शिफ्ट होने की वजह से ठीक है और दूसरा इम्प्लॉयमेंट लेवल के कम होने की वजह से इसको हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि ये एडवर्स सप्लाई शॉक की वजह से प्रोडक्शन फंक्शन डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया और डाउनवर्ड शिफ्ट होने की वजह से डायरेक्टली आपके यानी एक किसी भी गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर पहले आप जितना प्रोड्यूस कर सकते थे इसके डाउनवर्ड शिफ्ट होने की वजह से अब आप उससे कम प्रोड्यूस कर रहे सो दिस इज द यू कैन से इट इज़ द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ दिस एडवर्स सप्लाई शॉक और इनडायरेक्ट क्या है इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट ये है कि डाउनवर्ड शिफ्ट होने की वजह से मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी कम हो गई है और मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर के कम होने से लेबर डिमांड कर डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया और इसके नतीजे में एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो गया सो दो बातें आपने समझनी कि इस एडवर्स सप्लाई शॉक की वजह से क्या हुआ एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो गया और इस नए एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अब आपकी प्रोडक्शन भी पहले की नस्बत आपको कम मिलेगी सो so, एक डायरेक्ट इफ़ेक्ट है कि आउटपुट कम किसी भी गिवन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर आउटपुट कम हो रही है और इनडायरेक्ट ये है कि आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल भी इससे इनडायरेक्टली कम हो रहा है सो so, ये दोनों मिलकर आपकी टोटल आउटपुट को कम कर रहे हैं सो नेट इफेक्ट क्या होगा कि एडवर्स सप्लाई शॉक जो होगा ये लेबर डिमांड कर्व को कम कर देगा एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगी रियल वेज कम हो जाएगी और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट कम हो जाएगा थैंक यू